पंडित दीनदयाल एकीकृत बस स्टैंड में लगा अव्यवस्थाओं का अंबार, खबर श्योपुर से आ रही है। पंडित दीनदयाल एकीकृत बस स्टैंड में इन दिनों अव्यवस्थाओं का अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें कि अप्रैल 2013 में बनकर शुरू हुए बस स्टैंड को देखकर लोगों ने यही कहा था कि अब तक का सबसे बड़ा बस स्टैंड है, जहां अब ना तो यात्रियों को परेशानी होगी ना ही बस संचालकों को। लेकिन नगर पालिका और प्रशासन की अनदेखी के चलते विशालकाय बस स्टैंड अब सिकुड़कर छोटा पड़ने लगा है। बस स्टैंड में ट्रकों से लेकर खटारा बसें खड़ी की जा रही हैं। बस स्टैंड में बड़ी खड़ी खटारा बस और ट्रक आवागमन अवरुद्ध कर रहे हैं, जिससे बस स्टैंड में जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे बस स्टैंड से गुजरने वाले राहगीरों के साथ ही यात्री को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, बस स्टैंड में लगी पानी की टंकी के नल में टोटी नहीं होने से और पानी की टंकी से बस संचालकों द्वारा अपनी बसों की धुलाई करने से यात्रियों को पीने का पानी भी बस स्टैंड पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। यात्री पानी खरीद कर पीने को मजबूर हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अनदेखी के चलते बस स्टैंड अव्यवस्थाओं का अड्डा बन गया है। पूरे परिसर में गंदगी फैल रही है। बस स्टैंड से ट्रक और प्राइवेट टैक्सियों का संचालन किया जा रहा है। जगह जगह गुमटी और ठेले रखकर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। नालियां चौक पड़ी हैं। बस स्टैंड कैंपस में जल निकासी अवरुद्ध बनी हुई है। यात्री प्रतीक्षालय से लेकर बस स्टैंड परिसर अतिक्रमण की जद में है, जहां स्थानीय दुकानदारों की शिकायतों के बाद भी समाधान की पहल नहीं की जा रही है। शिकायत कर दुकानदार भी अब थक चुके हैं। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। सर, शहर को मध्य प्रदेश स्तर पर एक बहुत सुलभ और सुरक्षापन के सुविधा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण जगह बस स्टैंड के रूप में श्योपुर शहर को मिली हुई है। लेकिन देखा जा रहा है कि बस स्टैंड में टिकट घर से लेकर के आंचल घर, सुरक्षा, पानी व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था और बस स्टैंड की बसों को खड़े करने की जो व्यवस्था है वो सारी अस्त व्यस्त बनी हुई है। इसको लेकर के आपके द्वारा आगामी समय में क्या कार्यवाही की जाएगी? इस संबंध में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बस स्टैंड में जो बसें आती हैं इसके लिए जो कमेटी बनी है तो उनकी एक मीटिंग कर लूँगा मैं, कि क्योंकि कमेटी का ये काम है उसका रख रखाव करवाना और जो जो परिवहन विभाग है उनके सानिध्य में, मतलब इनका प्रॉपर जो बसें यूज में नहीं है वहाँ पर नहीं लगाई जाना चाहिए, और जो बसें अनावश्यक यहाँ पर अधिक समय में रुक रही हैं, क्योंकि आधा घंटे का स्टॉपेज रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं तो फिर क्या बस अनावश्यक रूप से खड़ी होती है, उससे अन्य बसों वालों को यहाँ पर वहाँ पर जो व्यवसाय करते हैं उनको असुविधा होती है। तो इसके लिए हम जो बस समिति है, बस स्टैंड समिति, उससे मैं बैठक कर लूँगा और RTO साहब के भी संज्ञान में लाऊँगा कि आप इस व्यवस्था को प्रॉपर करवाएं। दूसरी बात थी सर के काफ़ी शासन ने पैसा लगा करके वहाँ यात्री प्रतीक्षालय और टिकट घरों की व्यवस्था की थी, वो भी संचालित नहीं है। इस संबंध में मैं इसको देख लेता हूँ बस स्टैंड समिति से बात करके ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है प्रॉपर काम। एक पानी व्यवस्था भी वहाँ पे सुचारू रूप से दिखाई नहीं देती। पानी व्यवस्था का भी मैं वहाँ पर भ्रमण करके देख लूँगा कि कहाँ पे इसमें पानी लोगों को सुलभता से पीने के लिए मिल जाए, तो अगर पॉइंट नहीं होगा तो पॉइंट हम डेवलप कर देंगे।